कल कविता लिखी तो मैंने इसको फोन किया कि भाई चार लाइनें बड़ी जबरदस्ती आई है सुनो। तो उसने जब कुछ जबरदस्ती आ जाती है ना तो मन छटपटाने लगता है यार सुनाया जाए सुनाया जाए। तो कविता का शीर्षक रखा है क्या खूब भरमाया है। अब किसने भरमाया है इश्क। ये इश्क जो की जो थॉट प्रोसेस है ना बड़ी भरमाने वाली है। कभी तो आपको जो ना आसमानों में ले जाएगा, कभी सारा जमीन में गाड़ देगा, कभी 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 तो खुश खुश रहोगे, कभी तो ऐसा लगेगा यार पता नहीं क्या हो गया है, क्या लुट गया। ठीक है, तो ये सारी चीजों को है ध्यान में रखते हुए नए लड़ों को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि उजालों ने साथ न छोड़ा फिर ये कैसा अंधेरा छाया है। बहुत बढ़िया। फिर ये कैसा अंधेरा छाया है, दिल में तो दर्द भरा है, दिल में तो दर्द भरा है, फिर ये होठों पे हंसी कैसा है। वाह वाह वाह। दिल में तो दर्द भरा है, फिर ये होठों पे हंसी कैसा आया है, कौन है, कौन है जो अभिषेक से घड़ी घड़ी मजाक करता है, कौन है जो अभिषेक से घड़ी घड़ी मजाक करता है, दबी हुई मोहब्बत को कुरेद के किसने जगाया है, दबी हुई मोहब्बत को कुरेद के किसने जगाया है। और जोशी जी कहते हैं कि गम है या कि खुशी, गम है या कि खुशी पता ही नहीं चलता, ऐसा भरमाया है। गम है या खुशी पता ही नहीं चलता, इश्क ने ऐसा भरमाया है, मेरा तो ख्याल नहीं रखता ये कैसा सरमाया है। सरमाएदार मतलब होता है जो सरपरस्त होता है किसी का ख्याल वगैरह रखने वाला, तो मेरा तो ख्याल नहीं रखता ये कैसा सरमाया है। और दिन मोहब्बत में कट रहे या दर्द में फर्क नहीं कर पा रहा। बहुत बढ़िया। फर्क नहीं कर पा रहे, उधेड़ बुन में दिल ने दिमाग को कुछ ऐसा उलझाया, दिमाग भी उलझ के रह गया। और कहते कि मोहब्बत, रघु को भी समझना चाहिए, जो वीडियोग्राफर है अपना रघु उसको भी समझना चाहिए कि मोहब्बत कोई पहेली है क्या, मोहब्बत कोई पहेली है क्या जो जिंदगी ने बुझाया है, मोहब्बत कोई पहेली है क्या जो जिंदगी ने बुझाया है, मेरे साथ ही है ये क्या सिर्फ मेरे साथ ही है या औरों के हिस्से में भी इश्क में दर्द ही आया। अरे मेरे साथ ही है क्या औरों के हिस्से में भी दर्द ही आया है, और सब कुछ भुला के उसके नाम की धुनी रमा ली हमने, दर्द और तकलीफ के अतिरेक ने मुझ बावले को फक्कड़ बनाया। बहुत बढ़िया। दर्द और तकलीफ के अतिरेक ने मुझ बावले को फक्कड़ बनाया है, और जुदाई दर्द देता है और ये दिल दर्द सहता आया है। जुदाई दर्द देता है और ये दिल दर्द सहता आया है, और बेवफाई ने तो दोजख की आग सा मुझे जलाया है, मुझे जलाया है। और देख के उसकी बेशर्मी आंखें बंद कर ली थी हमने, पर उसके चर्चे इतने हुए कि कानों ने हमें उसकी करतूत दिखाया है। बहुत बढ़िया। भाई आंख तो बंद कर ली लेकिन सुन करके ऐसा लगा कि मैं देख ही रहा हूं मैं। ठीक है कि देख के उसकी बेशर्मी आंखें बंद कर ली थी हमने, उसके चर्चे उतने हुए कि कानों ने हमें उसकी करतूत दिखाया है, और कह गए लोग मिलता वही है जो किस्मत में लिखा के आया है। और सब कुछ न्योछावर करके मैंने हर बार धोखा ही खाया है। बहुत बढ़िया। बेचारा पिज्जा खिलाता है, पता नहीं क्या क्या करता है, फिर पता नहीं क्या हो जाता है बेचारा। मौसी जी दिल ही ऐसा है अपने लड़के क्या करोगे। ठीक है, तो कह गए लोग मिलता वही है जो किस्मत में तू लिखा के आया है, और सब कुछ निछावर करके मैंने तो इश्क में हर बार धोखा ही खाया है, फिर भी बाज नहीं आते विश्वास कर जाने में मेरे संस्कार ने मुझे किसी का हो जाना सिखाया। बहुत बढ़िया। मेरे संस्कार ने मुझे किसी का हो जाना सिखाया है। उसकी फितरत है कि वो बेवफा हो जाए, पर मेरी फितरत तो है कि मैं किसी का हो गया तो हो गया। ठीक है, तो ये है कहानी कि अपना बना लो,
अपना बना लो या किसी की हो जाओ, अपना बना लो या किसी की हो जाओ सूफियों ने सिखाया है। और अपना बनाते कैसे, अपना बनाते कैसे, वो तो पहले से पराया है। अपना बनाते कैसे, वो तो पहले से पराया है। मेरा उसका हो जाना भी, मेरा मेरा उसका हो जाना भी उसको मंजूर नहीं था। बहुत बढ़िया। मेरा उसका हो जाना भी उसको मंजूर नहीं था। इस्तेमाल करके उसने इसका खूब मजाक उड़ाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस्तेमाल करके उसने इसका खूब मजाक उड़ाया। और आखिरी चालाइन है सर कि उड़ा के चादर, उड़ा के चादर, उड़ा के चादर असमत से, उड़ा के असमत मतलब इज्जत, उड़ा के चादर असमत से ढाकने को रुमाल लाया। उड़ा के चादर मेरी असमत से ढाकने को रुमाल लाया है। और हमने भी क्या खूब महबूब पाया, हमने भी क्या खूब महबूब पाया है। और अपना जुलूस खुद ही निकालना अब शौक हो गया है मेरा। बहुत बढ़िया। अब क्या होता है, एक दो खगाया, दो दो खगाया, फर्क लगे हुए हैं, ठीक है। तो अपना जुलूस खुद ही निकालना अब शौक हो गया है मेरा, इसलिए एडवांस में हमने तरह तरह का पर्चा छपाया है। बहुत बढ़िया।